हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जब कंपनी किसी भी बिजनेस को या किसी एसेट्स को परचेज करती है या फिर कोई सर्विसेज लेती है तो उसके पेमेंट में कैश के जगह पे वो जब शेयर्स इशू करती है तो उसे बोलते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है वो हमें देखना है। अकाउंटिंग एंट्रीज, तो अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, कंपनी अगर एसेट्स परचेज कर रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट खरीदा होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा टू वेंडर्स अकाउंट। और अगर उसने एसेट्स के बजाय कोई बिजनेस खरीदा है तो ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस परचेज किया तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से कोई एक ही आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि वेंडर में क्या आएगा, तो वेंडर में कंसिडरेशन प्राइस आएगा, कंसिडरेशन प्राइस। अब कंसिडरेशन प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे किसी भी एसेट्स या बिजनेस को या कोई सर्विस का पेमेंट करने के लिए एग्री हुए हैं वो प्राइस क्या होती है, कंसिडरेशन प्राइस। अब गुडविल कब आएगा और कैपिटल रिजर्व कब आएगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे नेट एसेट्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि ये जो एसेट्स दिया है इसमें से अगर हम लाइबिलिटी को लेस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, नेट एसेट्स। तो गुडविल कब आएगा, गुडविल कब आएगा, गुडविल का कंडीशन है व्हेन कंसिडरेशन प्राइस इज मोर देन नेट एसेट्स, यानी कि अगर नेट एसेट्स की वैल्यू से कंसिडरेशन प्राइस ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल रिजर्व कब आएगा, कैपिटल रिजर्व when consideration price is less than net assets, यानी कि net assets हमारा ज़्यादा हो लेकिन जिस price पे हम acquire करने के लिए agree हुए हैं वो price कम है तो credit side में difference amount क्या आ जाएगा, हमारा capital reserve, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये तो खरीदने की हो गई entry, अगर हम issue कर रहे होंगे share, issue ऑफ शेयर्स, वेंडर को जब शेयर्स इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो अगर एट पर पे इशू किया, शेयर्स किस पे इशू किया, एट पर पे, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू किया एट प्रीमियम, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि जहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना पड़ जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी अमाउंट पेबल होगा वेंडर को, हो सकता है कुछ चेक वगैरह से पेमेंट किया हो, उसके बाद जो बचा हो उसके लिए शेयर इशू करें, इसलिए अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर की इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। अगर एट पर पे इशू किया तो इशू प्राइस क्या होगा? नॉमिनल होगा। और अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या होगा? नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा। क्लियर। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे कि जैसे सर्विसेज के लिए भी शेयर इशू किया जा सकता है, तो जैसे प्रमोटर्स को अगर शेयर इशू किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? और प्रमोटर को शेयर इशू क्यों करते हैं? फॉर देयर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस ड्यू होगा, तो एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। और जब इनको शेयर इशू किया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर अंडर राइटर्स को उनके अंडर राइटिंग कमीशन के लिए शेयर इशू हुआ, किसको? अंडर राइटर्स को, तो फिर क्या हो जाएगा? अंडर राइटिंग कमीशन या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और इसके बाद जब इनको शेयर इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। वैसे इस बार ये क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अनलिमिटेड कंपनी इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज अ फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। पास एंट्रीज इन कंपनीज जर्नल। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, उसी की एंट्री करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किसे खरीदा? नाम नहीं दिया है, तो वेंडर्स अकाउंट। कितने का परचेज किया? ₹1 लाख का, ₹1 लाख। अब इसके बाद इनको शेयर्स इशू किया जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट पेबल है इनको ₹1 लाख टू। अब क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर इशू किया है, और वो भी एट अ प्रीमियम। किस पे? प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कितने शेयर इशू किए, वो क्लियरली दिया है 800 शेयर, और शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू रहेगा तो 100 रुपीज़ का था, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। अब 25% प्रीमियम बोला है तो 100 नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे 25, तो कितना आएगा 25 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ये एंट्री होनी है सिंपल। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। कितने का खरीदा? 5 लाख रुपीज का खरीदा। तो फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज करने की, एसेट्स खरीदा है तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा? 5 लाख रुपीज का। किससे खरीदा? वेंडर कौन है? टू वेंडर, गीता एंड कंपनी। कितना? 5 लाख रुपीज। अब इसके बाद देखिए क्या किया है। अ सम ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड बाई मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो 1 लाख रुपीज का पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से कर दिया, तो गीता एंड कंपनी डेबिट। कितना पेमेंट किया है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख। टू, पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किया तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है? एंड फॉर द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कि 5 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज का तो बैंक ड्राफ्ट ही दे दिया है, तो बचा कितना देने के लिए? 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज के लिए क्या किया कि इक्विटी शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच और 25% प्रीमियम। तो 10 का 25% कितना हो जाएगा? 2.5 रुपीज। क्या ले लिया? प्रीमियम। ठीक, इस पे इशू किया शेयर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट। वेंडर कौन है? गीता एंड कंपनी। अब पेबिल जितना होगा पैसा वो लिख लेंगे, 4 लाख रुपीज। टू, किसको इशू किया है यहाँ पे? क्या? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम पे इशू किया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितना शेयर इशू किया हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 4 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस, तो 10 और 2.5 कितना हो जाएगा? 12.5। यहां पे एक जीरो लगाओ, पॉइंट हट गया, इसको 25 से कैंसिल करें, तो 25 5 125, और इसको 25 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 25 25 हुआ, बचा कितना यहाँ पे? 15। अब 15 में कितना हो गया? एक जीरो लगा तो 150 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 150 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम जाएगा, तो 6। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा? 1,60,000। ठीक, अब इसको 5 से काटो तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 1 और 5 2 10 32,000। यानी कितना शेयर इशू किया? 32,000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये कितना हो जाएगा? 3,20,000। इसके बाद प्रीमियम देखिए कितना हो जाएगा, 32,000 इंटू 2.5,
तो 32 2 जा कितना होता है 64, और उसका हाफ कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 80,000, यानी 80,000 रुपीज़ का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अ कंपनी इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितने का कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 30,000, और एक शेयर कितने का है? ₹100 का है। फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी था, यहाँ पे नाम कट गया है टाइपिंग में, यहाँ पे कंपनी कौन सा है? शर्मा, शर्मा एंड कंपनी। ठीक, तो अब यहाँ पे प्लांट 7 लाख रुपीज का खरीदा, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख रुपीज का खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख रुपीज का खरीदा, और सन्ट्री क्रेडिटर 2 लाख रुपीज का, ये बिजनेस ही खरीद रहा है। तो अब देखिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा? 7 लाख रुपीज का। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा? 12 लाख रुपीज का। स्टॉक भी लिया है, तो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा? 9 लाख रुपीज का। अब यहां पे देखिए टोटल एसेट्स जो खरीदा वो कितने का है? ठीक है, ये आपका टोटल है 28 लाख रुपीज का। लाइबिलिटी देखिए कितने का है, क्रेडिटर आपका, क्रेडिटर आपका है 2 लाख रुपए का, यानी 2 लाख रुपीज। तो अगर इस लाइबिलिटी को लेस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, नेट एसेट्स, तो ये कितना आया? 26 लाख। अब यहाँ पे देखिए हमने कितना शेयर इशू किया, 30,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारा जो कंसिडरेशन प्राइस है वो कितना है? 30,000 इंटू 100, यानी 30 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि कंसिडरेशन प्राइस तो 30 लाख रुपीज़ है, और जबकि नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 26 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज हम एक्सेस पे कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 लाख। आपको क्या बताया था, जब कंसिडरेशन प्राइस ज्यादा होगा किससे? नेट एसेट से, तो क्या होगा? गुडविल होगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4 लाख टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है? 2 लाख, और कंसिडरेशन प्राइस अभी हमने निकाला ही कितना है? 30 लाख रुपीज टू शर्मा एंड कंपनी अकाउंट 30 लाख। अब शेयर इशू करने की एंट्री कर देंगे, तो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्लियरली दिया हुआ है कितना शेयर इशू किया, 30,000, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए दिया है, अ कंपनी परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स, किसे खरीदा? राय ब्रदर्स से, फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख, कितने का? 15 लाख रुपीज का। पेबल ₹12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 12 लाख रुपीज के लिए हम शेयर इशू करेंगे ₹10 ईच का,
एंड बैलेंस थ्रो चेक, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 15 लाख रुपीज कंसिडरेशन प्राइस है और 12 लाख के लिए शेयर इशू करेंगे, तो बैलेंस कितना बचा, 3 लाख। ये आपके एसेट्स हैं और ये रही आपकी लाइबिलिटी, ये खरीदा। अब एंट्री करनी है तो पहले हम चेक कर लें कि यहाँ पे कंसिडरेशन प्राइस ज़्यादा है कि नेट एसेट्स ज़्यादा है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स है, बिल्डिंग आपका एसेट्स है, सन्डरी डेटर एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, कैश एसेट्स है। जोड़े 4, 4, 8, 3, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेट एसेट्स। तो 18 लाख हुआ, माइनस लाइबिलिटी देखिए कितना है, 2 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो ये कितना आया, 16 लाख रुपीज। ओके, अब कंसिडरेशन प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 15 लाख रुपीज, कंसिडरेशन प्राइस कितना है, 15 लाख। अब देखिए कंसिडरेशन प्राइस है 15 लाख और जबकि नेट एसेट्स कितना है, 16 लाख। कंसिडरेशन प्राइस कम है, कम है इसका मतलब कैपिटल रिजर्व होगा। तो एंट्री कर ले हम, क्या एंट्री हो जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर है आपका 2 लाख रुपीज का, टू मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट, कंसिडरेशन प्राइस कितना है, 15 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज क्या आया था, कैपिटल रिजर्व आया, सॉरी 1 लाख रुपीज, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। अब शेयर इशू कर देंगे तो उससे पहले बोला है कि चेक भी बैलेंस के लिए इशू करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितने का चेक, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना आया था, 3 लाख, टू बैंक अकाउंट 3 लाख, और बाकी के लिए शेयर इशू करना है तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना शेयर इशू होगा, अब 12 लाख रुपीज है, कितना पेमेंट करना है, 12 लाख डिवाइड बाई 10 रुपीज के शेयर में, यानी 1,20,000 शेयर होगा, 1,20,000 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख। ओके, तो ये आपका था आज की क्लास में कंसिडरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। थैंक यू।